पिछला करंट अफेयर किन्हीं को याद है? पिछला करंट अफेयर कौन सा हुआ था? क्वेश्चन पहले बता दीजिए, 25 तारीख को हुआ था। क्वेश्चन बता दीजिए कौन सा करंट अफेयर हुआ था? ये वाला क्वेश्चन था, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। कॉपी कोई नहीं खुलेगा, चलिए पहला था क्वेश्चन। हम पिछला क्वेश्चन पहले रिवीजन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया? कितना मई? 21 मई। इसका आंसर भी लिखा हुआ था, 21 मई को मनाया गया। अगला क्वेश्चन था हमारा मई से संबंधित सारा दिवस, अगर लिखे होंगे तो अच्छा है, नहीं लिखेंगे तो भी अच्छा बात है। चलिए सागर परिक्रमा का पांचवा चरण किस राज्य में लॉन्च हुआ था? महाराष्ट्र में। इसका आंसर था तो महाराष्ट्र करा जाया था, महाराष्ट्र का पूरा कहानी। चलिए अगला क्वेश्चन इसका, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना झारखंड होगा। चलिए ये हमारा झारखंड, ये फिगर था उसका। अब अगला क्वेश्चन है NIA का स्थापना 2009 तो सूचना का अधिकार है RTI 2008 के एक्ट के तहत 2009 में हुए। इसका हमारा ये NIA। ऑपरेशन कावेरी किस देश से संबंधित है? सूडान की यूक्रेन। सूडान। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद। ऑपरेशन विजय है गोवा। ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन। ऑपरेशन सफेद सागर कारगिल। चलिए अब हमारा देखिए ये उस बात का मिशन परिवर्तन किस राज्य में होगा? बिहार राज्य में होगा। अब हमारा लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश से हमारा ये मध्य प्रदेश। अगला हाल ही में UPSC के चेयरमैन मनोज कुमार सोनी के अनुगोपाल क्या है? अटर्नी जनरल। इसके बाद आर वेंकट रामनी बन गया। चलिए हाल ही में किस देश ने 50 स्टार्टअप एक्सचेंज की शुरुआत की? बांग्लादेश। ये हमारा था बांग्लादेश। अब ये पिछला क्वेश्चन क्या हो गया, रिवीजन हम करा दिए। आज का क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? देखिए साइकिल दिवस जितना भी मई का महीना है ये हमारा है क्या, बाइसिकल डे। ये हमारा साइकिल दिवस क्योंकि इस दिन हमारा साइकिल से संबंधित कुछ बात वगैरह थीम वगैरह किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय पूछेगा मिल्क दिवस कब मनाते हैं? जहाँ पर लिखा हुआ ना वहाँ एक जून वहाँ लिखिए मिल्क दिवस, क्या लिखिए वहाँ पर लिखिए मिल्क दिवस। जहाँ पर लिखा हुआ ना एक जून वहाँ लिखिए मिल्क दिवस यानी दूध दिवस। दूध से क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन आता है जी, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। दूध अनुसंधान केंद्र करनाल। करनाल। देखिए अगर हम बात कर रहे हैं किसका, कौन सा दिवस का? दूध का। दूध दिवस कब मनाते हैं? एक जून। लेकिन दूध से क्वेश्चन ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा कि दूध अनुसंधान केंद्र कहाँ है? हरियाणा के करनाल में। दूध उत्पादन के लिए कौन सा क्रांति? श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति कब लाया गया? 1970 हरित क्रांति के बाद। श्वेत क्रांति का जनक? वर्गीज कुरियन। दूध डेयरी विकास बोर्ड? आनंद। दूध का पी यजमान? 6.4। दूध में कौन सा प्रोटीन? कैसीन। दूध उत्पादन? यूपी। दूध खपत? चलिए तो 3 जून को क्या मनाते हैं? 1 जून को दूध दिवस। 5 जून को पर्यावरण दिवस। पर्यावरण दिवस लीजिए 5 जून को पर्यावरण दिवस, ठीक है? पर्यावरण दिवस को 5 जून को। चलिए DRDO, हम कल बताए थे DRDO ने अपना स्थापना दिवस क्या मनाया था? 1 जनवरी। DRDO का नाम याद रखिएगा, कभी कभी पूछता है DRDO का पूरा नाम, DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारा हो गया DRDO। ये 65वीं वर्षगांठ इस बार 2023 में 1 जनवरी को इसका स्थापना हुआ था। देखिए इसका याद रखिए 1 जनवरी 1958 जहाँ लिखे हैं DRDO लिख लीजिए। DRDO का पूरा नाम होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO के हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसका चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी। इसका चेयरमैन कौन है? जी सतीश रेड्डी किसका चेयरमैन है? देखिए एक क्वेश्चन आता है कि 1958 में किसका स्थापना हुआ था? 29 जुलाई
29 जुलाई 1958 को स्थापना हुआ था नासा का। जगह नासा का स्थापना कब हुआ था? 29 जुलाई 1958। पहले नासा की पहले डीआरडीओ, पहले डीआरडीओ। इसके 11 साल के बाद 15 अगस्त 1969 किसका स्थापना किया गया? इसरो का स्थापना किया गया। इसरो भारत में आपका जो है एक प्रकार का स्पेस से संबंधित सारा मिसाइल वगैरह छोड़ने का काम कौन करता है? इसरो करता है। तो डीआरडीओ का पूरा नाम डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नीति आयोग का हेडक्वार्टर नई दिल्ली। डीआरडीओ के मास स्थापना दिवस मनाया 65वां। हाल ही में सांची किस राज्य का पहला शहर बनेगा? सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश। सांची का स्तूप किस नोट पर चित्रांकित है? 50 पर तो हम्पी का खंडर है। 200 के नोट पर सांची का स्तूप, 500 के नोट पर लाल किला, 2000 के नोट पर मंगलयान। मंगलयान कब? अब 1000 नोट बोलते हैं। अरे 2000 पर है ना मंगलयान जी, 5 नवंबर 2013 को मंगलयान। इसका आंसर क्या होगा? हाँ देखिए, अगर हम बात देखिए, हम सारा नोट का बताते हैं। देखिए नोट हम लिखाए होंगे 2000 के नोट पर मंगलयान, कौन यान? मंगलयान। 2000 के बाद छोटा नोट 500 किसका है? लाल किला। लाल किला के बाद 500 बाद 200। सांची का स्तूप, सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में। किस धर्म से संबंधित है? और 200 के बाद 100 में क्या है? रानी का बाब किस राज्य में? रानी का बाब किस राज्य में? गुजरात। उसके बाद 50 का नोट पर हम्पी का खंडर किस राज्य में? कर्नाटक। 50 के बाद 20 के नोट पर किसका? एलोरा की गुफा। किसका गुफा? एलोरा की गुफा किस राज्य में? महाराष्ट्र। एलोरा गुफा 20 के बाद 10 में कौन सा? कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क मंदिर कहाँ है? चलिए ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए इसका आंसर। मध्य प्रदेश आया है तो मध्य प्रदेश का ज्यादातर क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक एसटी किस राज्य में, लेकिन सर्वाधिक एससी उत्तर प्रदेश में। मध्य प्रदेश का स्थापना 1 नवंबर 1956, यहाँ के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, और यहाँ का 29,230 लोकसभा सीट है, राज्य संविधान सभा 29,230। मुख्यमंत्री कौन हो गए? हाईकोर्ट। इसके पहले बताए थे लाडली बहना योजना किस राज्य में लॉन्च किया गया? सबसे ज्यादा एसटी शेड्यूल टर्बाइन मध्य प्रदेश। सोयाबीन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश। भीम बेट का मध्य प्रदेश। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश। जैन आर्मी व्हीकल फैक्ट्री मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का जबलपुर। जबलपुर में कौन सा जलप्रपात इम्पोर्टेंट बताइए? जबलपुर धुआंधार जलप्रपात। कौन जलप्रपात? किस नदी पर है? नर्मदा नदी का। ये हमारा भारत का जो है ना दिल करते किसको? मध्य प्रदेश को। तो मध्य प्रदेश किस राज्य का पहला सोर्स समझते क्या होगा? पूरी तरह सोलर सिस्टम से, किस तरह का सोलर सिस्टम तैयार किया जाएगा। चलिए अगला है हमारा, हाल ही में 2023 में आईआईटी का पहला स्थान। व्हाट इज आईआईटी? आईआईटी क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें कौन सा लगा जाएंगे? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या बायोलॉजी? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। फिजिक्स केमिस्ट्री। सबसे पहला स्थान रहा आईआईटी में कौन? मद्रास। संतन किस राज्य में? मद्रास। किसमें है? तमिलनाडु में। अब देखिए सबसे पहला स्थान किसका रहा? मद्रास का। दूसरा स्थान? दिल्ली का। इसके बाद? बम्बई। उसके बाद? कानपुर। उसके बाद? खड़गपुर। ये पहला स्थान याद रखिए, पहला स्थान कौन है? गुवाहाटी। पहला स्थान आपका, हाँ सबसे नीचे आपका लगभग सरकार, और नीचे आएगा फिर पटना उठना जाएगा। चलिए अब आपका देखिए क्वेश्चन जो रहेगा इसका आंसर क्या होगा? अच्छा, आसान हो जाएगा।